हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ब्लाउज का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूं। तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। यहां पे देखिए, इस तरह से मैं बैक पार्ट ले ली हूं, आर्म होल की भी कटिंग कर ली हूं। आप देख सकती हैं इसकी लंबाई, आप अपने अनुसार लंबाई लीजिए जितना लंबा ब्लाउज रखना चाहती हैं। यहाँ पर शोल्डर देखिए 5.5 इंच और गला 2.5 इंच ले रही हूँ मैं। लंबाई इसकी आप अपने अनुसार रख सकती हैं जितना लंबा आप गला रखना चाहती हैं। यहाँ पे मैं 12 इंच ले रही हूँ। अब इसके बाद इस तरह से डिजाइन मुझे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए 4 इंच ऊपर जो है 5 इंच इस तरह से मैं ले ली हूँ और इसको यहाँ पे मिला लेना है। आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे इस डिज़ाइन को बना रही हूँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेना है। अब इसके बाद इसको काट कर अलग करूँगी। अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों साथ में रख कर के कटिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अब इसके बाद सिलाई करनी है इसकी, तो सिलाई करने के लिए इस तरह से बराबर पहले कर लेना है दोनों को और उसके बाद नीचे की तरफ से सिलाई करनी है, फिर गले का, उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। आप देख सकती हैं मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ। यहाँ कॉर्नर में आकर रोकना है, फिर यहाँ दूसरी साइड लेकर आ जाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से रुक करके सीधा आपको सिलाई करते जाना है। तो ये हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी, लेकिन सीधा करने से पहले कॉर्नर जो है इसको हल्के हल्के इस तरह से कट लगाना है। कट लगाते टाइम में आपको ध्यान देना है, सिलाई से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और नाखून से प्रेस करते हुए आपको इस तरह से कर लेना है। फिर सिलाई इसके ऊपर करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2.5 इंच लंबा मैं एक इस तरह का पट्टी ले ली हूँ जो पहले से सिलकर तैयार कर ली थी, और यहाँ पे इतना सारा मैं ली हूँ क्योंकि इसी से डिजाइन बनेगा, कपड़े से आपको बनाना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से 2-2 इंच पे निशान बनाना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा और यहाँ पे आपका कोई भी खर्चा नहीं है। आप इसी कपड़े से डिज़ाइन बना सकती हैं और इधर भी इसी तरह से निशान बना लेना है। तो इसके अंदर ही ये डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद इसी तरह से एक और निशान में बनाऊंगी 1/2 इंच पे, देखिए इस तरह से करना है। और फिर यहाँ दूसरे साइड में इसी पे रख करके ये जो डोरी है इस तरह से इसको देखिए मैं डबल फोल्ड में करके यहाँ किनारे में सिलाई करूँगी। जो बीच वाला निशान बनाई थी उसी पे इसको रख करके सिलाई करनी है। अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पकड़ना है और इस पर एक साथ में रखते हुए जाना है। देखिए दोनों का कलर सेम है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं सिलकर पूरा आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से आपको पूरे में सिलाई कर लेनी है और उसके बाद दूसरे साइड में भी इसी तरह से डोरी को पकड़ना है और डबल करके सिलाई कर लेनी है। तो एक साइड का तो ये हो गया है और यहीं तक रहेगा, एक कॉर्नर जो है कॉर्नर तक ही ये रहेगा, इससे आगे नहीं करना है आपको। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरे साइड में भी करनी है, तो अभी मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ।
देखिए इस तरह से इसको रखना है, इस बार दूसरे साइड में रखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको लेनी है दो डोरियाँ। लेकिन उसके पहले जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको काट कर मैं अलग करूँगी। उसके बाद देखिए डोरी ले ली हूँ, आप देख सकती हैं कैसा है डोरी। देखिए अब इसको यहाँ पे बराबर कर लूँगी डोरी को, और इस पे इस तरह से रख कर के सिलाई करना है। आप देख सकती हैं कहाँ मैं कर रही हूँ, जो उसका किनारा था उसी को ढकना है। सिलाई करते टाइम में जो मतलब एक्स्ट्रा निकला हुआ पार्ट है उसका, उसको ढक करके इस तरह से सिलाई कर लेना है, कवर कर देना है इसी से। आप चाहें तो लैस भी लगा सकती हैं, बट मैं तो यहाँ पे इससे डोरी बना करके कवर कर ले रही हूँ। तो ये हो गया। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी करना है, नीचे वाले में जो ये वाला डिजाइन है इसमें भी इसी तरह से मैं करूँगी। और डबल सिलाई फिर कर लेनी है, क्योंकि दोनों साइड सिलाई करनी रहेगी डोरी की, तभी ये अच्छा से बैठ पाएगा। तो अब देख सकती ये भी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर दूसरी सिलाई कर लेनी है। तो ये हो गया है। तो ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे अभी नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो इस तरह की आपके पास आसानी से पहुंच सके। यहाँ पे अब मैं ये जो गोल्डन मोती है इसको लगाऊंगी, और कहाँ पे लगा रही हूँ ये भी आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहाँ पे बीच में इस तरह से टक करते हुए लगा लेना है, और इसी तरह से पूरे में करना है आपको। फिर दूसरे साइड में मोती को कैसे टाँकना है आप देख सकती हैं मैं कैसे कर रही हूँ। इस साइड में इस तरह से रखते हुए टाँकना है और फिर दूसरे वाले में ज्वाइंट कर देना है। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ करके ज्वाइंट करना है। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन लगेगा। देखिए इसी तरह से पूरे डिजाइन में करना है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को। अब देख सकती हैं कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ।